हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजयज होम किचन। मैं आपकी दोस्त नैन्सी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और इंस्टेंट बनने वाली रेसिपी। आज हम बनाएंगे इडली, वो भी बिल्कुल न्यू स्टाइल में, नए तरीके से, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होने वाली है। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इसके साथ मैंने एक चटनी की रेसिपी इस वीडियो में शेयर की है, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और टेस्टी। तो वो इतनी है कि आप एक बार बनाएंगे तो उसे हर रेसिपी के साथ आप ज़रूर ट्राई करेंगे। और हाँ, अगर आपको सूजी की इडली देखनी है और चावल वाली इडली देखनी है तो उन दोनों की ही रेसिपी मेरे चैनल पे है, उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी और देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की नीड होगी। आज हम इडली बनाने वाले हैं साबूदाने से, तो उसके लिए यहाँ पे लिया है मैंने एक कटोरी साबूदाना। उसे मैं अभी सोख करके रखूंगी 1 से 2 घंटे के लिए। आप चाहें तो इसे नाइट में भी सोख करके रख सकते हैं अगर आपको नेक्स्ट डे बनाना है। और साबूदाना भिगोने का भी एक तरीका होता है, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कैसे भिगोना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप साबूदाने को अच्छे से वॉश कर लीजिएगा और उसके बाद उसे जस्ट उसमें थोड़ा सा ही वाटर डालना है, मतलब जितना साबूदाना है साबूदाने के ऊपर थोड़ा सा वाटर ऊपर आना चाहिए। देखिए, इस टाइप से आपको साबूदाने को सोख करके रखना है और जस्ट 1/2 आवर के लिए मैं उसे वाटर में सोख करके रखूंगी। और उसके बाद मैं उसे छन्नी के ऊपर छान दूंगी और उसके बाद उसे कवर करके रख दूंगी 1-2 घंटे के लिए। तो ये तरीका होता है साबूदाने को सोख करने का। इस तरीके से साबूदाना आपका बहुत अच्छे से सोख हो जाता है और वो बहुत अच्छा फूल जाता है। आप चाहें तो साबूदाने की उससे खिचड़ी भी बना सकते हैं, लेकिन आज हम इससे इडली बनाएंगे। तो इसमें हम एक और इन्ग्रीडियंट डालेंगे, वो है ये सूजी। ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, पर अगर आप सूजी डालते हैं उसके अंदर तो थोड़ा बाइंडिंग आ जाती है। और इसके साथ मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कर्ड। यहाँ पर मैंने 1/2 कटोरी कर्ड ली है और 1 कटोरी यहाँ पे सूजी ली है। और सूजी को मैं अच्छे से सोख करके रख दूंगी कर्ड के साथ मिक्स करके। आप चाहें तो सिर्फ वाटर में भी इसे सोख करके रख सकते हैं, पर अगर कर्ड आप ऐड करते हैं तो आपकी जो इडली है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। अगर आप इसे सांभर के साथ नहीं खा रहे हैं तो बहुत ईजिली आप उसे खा सकते हैं। और इस टाइप से मैं इसके ऊपर हल्का सा वाटर डाल के इसे कवर करके रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। बहुत ज़्यादा सोख नहीं करना होता है सूजी को। तो ये दोनों ही चीज़ें मैंने सोख कर दी हैं। उधर मैंने साबूदाना 1 रात पहले ही सोख करके रख दिया था। इडली बन रही है तो इडली के साथ चटनी तो जरूरी बनेगी, तो आज हम चटनी भी बहुत झटपट वाली और बहुत टेस्टी वाली बनाने वाले हैं। उसके लिए यहाँ पे लिया कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल, उसके अंदर ऐड करूंगी गार्लिक, उसके साथ डाला है ड्राई रेड चिलीज, 1 टीस्पून मैंने होल कोरिएंडर डाला है, जरूर ऐड कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हैंडफुल ऑफ मैंने इसमें पीनट्स ऐड किया और इन्हें मैं हल्का सा रोस्ट कर लूंगी। जब आपके पीनट्स और जो आपका गार्लिक है वो हल्का सा रोस्ट हो जाएगा उसके बाद ही उसके अंदर कुछ ऐड कीजिएगा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ टमाटर। टमाटर को जस्ट मैं 2 पीसेज में कट करके ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं और उसके ऊपर ऐड कर दिया है सॉल्ट 1 टीस्पून। ये टमाटर मैंने कट करके ऐड नहीं किए क्योंकि अगर आप हाफ में कट करके ऐड कर देते हैं तो जो उसकी स्किन है वो इजीली निकल जाती है। और इन्हें मैं हल्का सा सॉफ्ट करूंगी, जब ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैं गैस ऑफ कर दूंगी। ये देखिए हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे और गैस मैंने ऑफ कर दी। इन्हें ठंडा होने के लिए एक साइड रख दूंगी और इस बीच में जब ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद मैं इसकी स्किन निकालूंगी। अभी ये हल्के से गर्म है और ये देखिए ये अच्छे से ठंडे हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, आप देख रहे हैं। अब मैं इन्हें ग्राइंडर में ट्रांसफर करके इन्हें ग्राइंड कर लूंगी, मतलब इनकी चटनी बना लूंगी। इन्हें जस्ट मैंने ग्राइंडर में, और ध्यान रखिएगा ठंडा करके ही आप इसको पीसिएगा क्योंकि अगर आप गरम गरम पीसेंगे तो जो कैप होता है ग्राइंडर का वो निकल जाता है। इसके साथ डाल रही हूँ मैं इमली की एक बिना बीज वाला पल्प, आप कोशिश कीजिएगा बीज उसमें से निकाल के ऐड करें। और ये देखिए मैंने इसे ग्राइंड कर लिया और बहुत टेस्टी ये चटनी बनी थी। ये आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी आप किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं, आप पराठों के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनी थी। और थोड़ा सा ग्राइंडर को क्लीन करके मैंने वाटर भी ऐड कर दिया है, बहुत ही टेस्टी लगती है इडली के साथ, आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये चटनी भी हमारी बनके तैयार हो गई है और आप बनाएंगे इसका एक तड़का। तड़के के लिए यहाँ पे ले लिया मैंने सेम तड़का पैन और उसमें डाला है 1 टीस्पून देसी घी और ऐड करूंगी मस्टर्ड सीड्स 1 टीस्पून। उसके साथ मैं इसके अंदर ऐड करूंगी उड़द की दाल 1/2 टीस्पून, चना दाल 1/2 टीस्पून और इसके अंदर ऐड करूंगी मैं इसके साथ हींग, पिंच ऑफ हींग ऐड किया है और ड्राई रेड चिली ऐड की है, थोड़ा सा तोड़ के ऐड कर दिया रेड चिली को मैंने। और अब ये तड़का मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी, उससे पहले मैं इसके अंदर डालूंगी करी लीव्स और करी लीव्स हमारी अच्छे से देख रहे हैं भुन जाएगी, उसके बाद मैं इसे ऐड कर दूंगी। मैंने गैस से हटा के करी लीव्स ऐड की है क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा छिटकने लगती है। और ये देखिए मेरे मुँह में तो वॉइस ओवर देते देते ही पानी आने लगा है, बहुत ही टेस्टी बनी थी ये चटनी। तो आप ये चटनी तो ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है इडली के साथ, चाहे तो आप इसे सूजी की इडली के साथ भी खा सकते हैं। ये भी हमारी तैयार हो गई। उधर हमारा जो बैटर है वो भी रेडी हो गया। ये देखिए सूजी हमारी अच्छे से मैंने मिक्स कर ली थी और बहुत अच्छा सा ये पेस्ट हो गया इसका रेडी।
और अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी जो मैंने साबूदाना सोख करके रखा था। साबूदाने को मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, हाफ एन आवर के बाद मैंने उसे छन्नी के अंदर निकाल दिया था। ये अगर आप प्रोसेस करते हैं तो इसकी वजह से जो आपका साबूदाना है बहुत खिला खिला रहेगा। आप इससे चाहें तो आप खिचड़ी भी बना सकते हैं, जो साबूदाने की व्रत की खिचड़ी बनती है वो भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। अब मैं डायरेक्ट ही साबूदाने को बैटर में ऐड कर दूंगी, सूजी वाले बैटर में। मैं इसे पीस के नहीं बना रही हूँ। अगर आप सूजी ऐड नहीं कर रहे हैं तो आप साबूदाने को पीस के ही बनाइएगा, डायरेक्ट मत बनाइएगा। और अब इसके अंदर ऐड कर रहा है सॉल्ट 1 टीस्पून, वो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। और अच्छे से इसे मिक्स कर लूँगी। इसे मिक्स करने के बाद मैं इसमें अभी सोडा भी ऐड करूँगी, पर मैं अभी सोडा ऐड करने से पहले एक प्रोसेस करूँगी। उसके लिए मैंने जो अपना स्टीमर है उसमें वाटर ऐड करके स्टीमर स्टीम होने रख दिया है, और उससे पहले प्लेट्स होती हैं स्टीमर की, उन्हें मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी ऑयल से। ये देखिए, ये प्रोसेस आप हमेशा जब भी आप उसमें सोडा ऐड करते किसी भी चीज़ में, उससे पहले जिसमें आपको उसको स्टीम करना है उसे ग्रीस कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हमारा ये जो मिक्सचर है बहुत अच्छे से रेडी। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 पाउच पूरा इनो का। इनो से बहुत ही फ्लफ़ी बनती है इडली, तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके सब्स्टिट्यूट में बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। जो खाने वाला मीठा सोडा होता है वो आप 1/2 टीस्पून ऐड कर लीजिएगा। और मैंने थोड़ा सा वाटर के साथ इसे फटाफट मिक्स करके इसे ट्रे में ट्रांसफ़र कर दिया है, जो हमारी इडली की प्लेट्स हैं उसमें ट्रांसफ़र कर दिया। और ये काम बहुत झटपट कीजिएगा वरना जो इडली है वो आपकी बैठ जाएंगी। और यहाँ पे देखिए स्टीमर भी मेरा बहुत अच्छे से बॉयल हो गया। इसके अंदर अब मैं प्लेट्स ट्रांसफ़र कर दूंगी और हाई फ्लेम पे मैं इसे 20 मिनट्स के लिए स्टीम करूंगी। इससे पहले आप स्टीमर मत खोलिएगा, 20 मिनट्स के लिए अच्छे से स्टीम कीजिएगा। और आप ध्यान रखिएगा कि आपने वाटर भी अच्छे से ऐड किया हो स्टीमर में। और गैस मैंने फुल पे की हुई है तो इसे 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 20 मिनट्स हो गए थे और आप देख रहे हैं कितने अच्छे से फूल गई हैं इडली। इस टाइप से आप फॉर्क डाल के उन्हें चेक कर सकते हैं। तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी एक साइड। बहुत ही टेस्टी बनी थी ये, अल्टीमेट इडली बनी थी, सूजी से बेटर लगी थी मुझे इडली खाने में। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरे कहने से ये रेसिपी आप ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसे बन के आई। इसके साथ मैंने बनाई थी नारियल की चटनी, और वो चटनी जिसकी रेसिपी मैंने आपको दिखाई थी, अगर आपको नारियल की चटनी की रेसिपी चाहिए तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगी। तो प्लीज़ मेरी ये रेसिपी ट्राई कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आपका सपोर्ट चाहिए मुझे मेरे वीडियोस के लिए। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे और अच्छी और न्यू रेसिपीज़ के साथ, साथ के साथ अपनी इंडियन ट्रेडिशनल रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।